शाही के अमेजिंग से शाही कबाब जो कि 1961 से बना हुआ है। तो इनका येलो कलर का बोर्ड होगा, इसपे लिखा हुआ है गलावटी कबाब। से रस ऐसे गिर रहा है, किसी भी कबाब ऐसा लगता है। I feel like I want to cry. सऊदी अरब में भी इतना ऑयल ना हो, दैट्स व्हाट पाकिस्तानीज आर फेमस फॉर। यार हिला कुछ पकाए यार, यार मैं आप लोगों को पका दूं, इतना काफी नहीं है क्या? ओके जी, तो कैसे हैं आप लोग? वंस अगेन वेलकम बैक विद अनदर अमेजिंग से फूड ब्लॉग में। हम हैं लाहौर में और आ रहे हैं लाहौर का अमेजिंग सा हेरिटेज खाना एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज हम हैं दोबारा से अंदरून में और मैं खाने के लिए आई हूँ साई के अमेजिंग से शाही कबाब। शाही की बात आती है तो फिर वो लाहौर की बात आती है। तो आए चल के आपको दिखाते हैं कि शाही कबाब कैसे टेस्ट करते हैं और ये वाकई शाही है कि नहीं। लेट्स गो। हाँ, तो अपनी शादी से पहले का इस दुकान पे आता हूँ, इनका जायका बहुत अच्छा। 60 साल हो गए। 60 साल हो गए ने। रेसिपी बना रहे हो आजकल? हाँ जी भाई, हमारे यहाँ पे शाही कबाब आ गए हैं। नथिंग सो शाही इसमें। मुझे लगा था कि कुछ बादाम पिस्ता शिस्ता या फिर काजू वाजू की कोई तो गार्निशिंग यहाँ पे होगी। तो भाई ये जूसी है, बहुत ज्यादा जूसी है कबाब के, लिटरली इनमें से रस ऐसे गिर रहा है, किसी भी कबाब ऐसा लगता है के जो है ना सिर्फ रस से बने हुए हैं। बस को हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। ये साई दो इसकी चटनी है, एक ये होगी यकीनन इमली की चटनी है और ये दही वाली चटनी है। मुलायम, सॉफ्ट और इतने जूसी हैं। एक होता है ना दरदरा सा कीमा, तो ये बिल्कुल वैसा वाला है सीख कबाब का, लेकिन मेरे हाथ देखें कि लिटरली द फ्लेवर्स आर लिटरली ओजिंग आउट ऑफ इट। ताबी खा लूंगी, इतना मजेदार। माय फेवरेट वहीद रेस्टोरेंट जो कि 1961 से बना हुआ है और इनके जो फेमस तरीन कबाब है ना फ्राई कबाब, वो खाने आपकी बहन यहाँ पे आई है और साथ में मैं शेयर करूँगी अपना वहीद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। इनकी स्पेशलिटी है फ्राई कबाब, बारबेक्यू इनके पास है, नहारी इनके पास है और मज़ेदार से इनके आइटम्स हैं खाने के, लेकिन शोहरत पाई इनके फ्राई कबाब ने। खाना आ गया, ड्रम रोल्स, वाओ, ओहो हो, आई फील लाइक आई वांट टू क्राई। इतने मज़े के कबाब लग रहे हैं और ये रहे धागा कबाब, द अमेजिंग अमेजिंग धागा कबाब। ये रहा मेरा कबाब फ्राई, साथ में इन्होंने मुझे दी है चटनी और वी हैव प्याज। अच्छा पराठा नहीं मंगवाया मैंने, मंगवाई है नान और साथ में है ये पतली वरक की चपाती जो नहीं होती, रुमाली रोटी भी कहते हैं इसको। थोड़े टेक्निकल तरीके से धागा कबाब खाए जाते क्योंकि जो है इसको धागे से बांधा जाता है। नान हमने तोड़ी अपनी, ओहो हो, आई लाइक टू ओपन इट ऐसे करके और अब हम लेते हैं कबाब। ओ हो हो, साथ में आई एम गोना टेक दिस ऑल्सो। ओ हो, परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस और इतना मुलायम कबाब है, इतने मजे का स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। ओह गॉड, दिस इज यम। थोड़ा सा नमक देते हैं आई थिंक सो बिकॉज ऑफ द चटनी, थोड़ा नमक मुझे तेज़ लग रहा है, लेकिन मैं सादा खा के देखती हूँ कि ये नमकीन है कि नहीं है। यहाँ चटनी में नमक है। अब बारी है कबाब फ्राई टेस्ट करने की। कबाब है प्रॉपर घी में जो है ना वो हो तैर रहा है बिल्कुल, मतलब सऊदी अरब में भी इतना ऑयल ना हो, दैट्स व्हाट पाकिस्तानीज आर फेमस फॉर। तो Again, ओए होए होए होए, बिस्मिल्लाह, मज़ेदार। ये चटनी पे लगाएं इसको, ग्राउंड नंबर पे।
द सेम मलाई मक्खन, मलाई भी नहीं बिल्कुल मक्खन हो रहे हैं कबाब, और इतना स्मूथ टेक्सचर है इन कबाब का, प्रॉपर गले हुए ये कबाब हैं, और यकीन करें बहुत 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 मज़े का टेस्ट है यार इसका, जस्ट लुक एट द टेक्सचर। मुंह में जाते ही एक फ्लेवर का जो फिक आ रहा है ना, आई कड यू नॉट, बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत एम्पावरिंग फ्लेवर है कि बस दिल बोलने का नहीं चाहता, बस कहते हैं खाते रहो खाते रहो खाते रहो। लोग इधर आ गए हैं ठीक है जी, और हम लोग ना यहाँ पे खाने के लिए आ गए हैं गलावटी कबाब। भाई गलावटी कबाब को ना टुंडे कबाब भी कहते हैं, एंड आई वॉज इन सर्च फॉर इट कि कराची में कहाँ मिल। अच्छा गाइस मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इन लोगों के पास ये सारी वैरायटी है, हम लोगों ने अलबत्ता जो है वो गलावटी चिकन कबाब ऑर्डर किया क्योंकि बीफ इनके पास सोल्ड आउट है। अच्छा भाई इन लोगों के पास जो है वो बिरयानी भी है, नॉट ओनली कबाब दे हैव बिरयानी टू, तो सीन ऐसे हो सकते हैं। अच्छा रोटी भी वहाँ पे पक रही है इजिली, फुल चपाती वाली रोटी बन रही है यहाँ पे, मैं सोच रही हूँ मैं भी रोटी बनाऊँ। आप लोग मुझसे बोलते रहते यार हीरा कुछ पकाए यार, यार मैं आप लोगों को पकाती हूँ, इतना काफी नहीं है क्या? वो देखो स्कूल के बच्चे आए हैं, वो बेचारे स्कूल से पढ़ के आए हैं और हम अपने ऑफिस से बाहर निकल के फूड ब्लॉग कर रहे हैं। आपको एक चीज बताऊं, कबाब को ऑयल कैसे निकाल लें देखें। हाँ तो हमारे पास हमारे टुंडे कबाब आ गए। ओ माय गॉड मैं इंडिया लखनऊ तो जा नहीं सकती, खैर हो गई यार मैं DHFS 2 में आ सकती हूँ। अच्छा भाई कबाब देखें आप जरा, माशाल्लाह से इनके जो है ना वो आउटर क्रस्ट इतना अच्छा हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने दी है चटनी, ठीक है चटनी के साथ ये दी है इन्होंने लाल चटनी, यानी वो कुटी हुई मिर्चों की ये चटनी है। लोकेशन में आप लोगों को इसकी बता दूं, मास्टर जूस आप लोगों ने फेस टू में देखा होगा तो मास्टर जूस वाली लेन में ही है। आप लोग यहाँ पे सीधा आ जाएंगे ना तो इनका येलो कलर का बोर्ड होगा, इसपे लिखा हुआ है गलावटी कबाब। चलो वो इसको टेस्ट करते हैं, को पहले रायता लगाओ। बिस्मिल्लाह, ये लाल वाली चटनी भी तो ना। ओ अरे ज्यादा लग गई यार, अब लगा लो भाई थोड़ा सा, एक प्याज डाल दो। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं वाकई इज इट गुड, बाकी में बहुत अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ऑब्वियसली आपकी बहन तो लेंगी ये लाल वाली चटनी क्योंकि मुझे स्पाइस बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाह करते हैं हम, बाकी बहुत स्पाइसी है ये चटनी। जरा आप लोग देखें किस कदर लाल है, इसमें कोई रंग नहीं मिला हुआ, ये बकायदा जो है वो कुटी हुई मिर्चों की चटनी है ठीक है, और ये बहुत बहुत स्पाइसी है। ये डायरेक्ट इसने जो है ना गले पे हिट दिया है। चटनी के साथ हमने लुकमा बना लिया। बिस्मिल्लाह। अच्छा मिंट रायते के साथ ना थोड़ा गले को ठंडक मिल रही है, बट जो लाल चटनी है ना वो इन कबाब के साथ बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। वो क्या करी, वो कबाब का जो एक बहुत ही बेसिक और नॉर्मल सा और बहुत ही गलावटी फ्लेवर है ना उसको बहुत ज्यादा एनहांस करी है, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। वो फ्लेवर थोड़ा सा एम्पावर कर रही है। मेरी तरफ से इट्स अ पास। ओके गाइस तो भाई मेरी टेस्टिंग हो गई है, उसामा की टेस्टिंग हो गई है, लेकिन उसामा का हाथ नहीं रुक रहा है जनाब, खाए जा रहा है खाए जा रहा है। ये देखे भाई ये देखे, अरे भाई मुझसे ज्यादा तो मजे लेके ये खा रहा है। क्या हुआ बेटा यार, तंग नहीं करे यार खाने में। यार मैं कोई भिखारी हूँ जो तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो?